नमस्कार। जैसा कि पूरे बिहार में उर्दू एक्शन कमेटी के द्वारा पूरे बिहार में उर्दू बेदारी मुहिम चलाया जा रहा था 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक, जो कि आज 28 नवंबर को समापन इसका पटना के सब्जी बाग में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका समापन किया गया। और जो 22 से लेकर 28 नवंबर तक उर्दू एक्शन कमेटी के द्वारा उर्दू बेदारी मुहिम चलाया गया, बहुत तरह की उर्दू को कैसे आगे बढ़ाया जाए, घर घर तक कैसे उर्दू को पहुंचाया जाए, तमाम बातें आज यहां पे रखी गई। इस तरह के तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मुकाम में हमारी जो चीजें हैं, यहाँ से जो पैगाम जाएगा उसे आप वजीर आलम नीतीश कुमार को पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे और उन्हें यह भी कहेंगे कि जो आपके सियासी नुमाइंदे हैं जिनका ताल्लुक हमारी कौम से है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उर्दू आबादी आपके लिए करेगी, इस उर्दू आबादी का साथ दीजिए। और उर्दू आबादी जो बातें कह रही है वो पूरी ईमानदारी के साथ कह रही है, आप इस पर तवज्जो दीजिए पूरे खलूस के साथ और ईमानदारी के साथ। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह साहब से, वो बहुत मजबूत रहनुमा है, ऐसे ही 15 साल से बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की जिम्मेदारी वजीर आलम नीतीश कुमार ने नहीं दे रखी है, कुछ खूबियां हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि भाई मुखालफत तो सबकी हुई है, इर्शादुल्लाह साहब की हो रही है, अशरफ अली साहब की हो रही है, अनवारुल हुदा साहब की हो रही है, अनवारुल हसन मसअली साहब की हो रही है, तो क्या हुआ? इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आए आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है दोस्तों।